तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज एक और नई वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी नया वाईफाई कनेक्शन लगवाया था और ये है फाइबर। और इससे पहले मेरे पास एक और वाईफाई कनेक्शन चल रहा था जो मैंने 2018 में लगवाया था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। बेसिकली वाईफाई या ब्रॉडबैंड सेम ही होते हैं दोनों। तो आज की वीडियो एक FAQ और मतलब क्वेश्चंस वाली होने वाली है। तो जितने क्वेश्चन आप सभी ने पूछे हैं मैं सभी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। मतलब पहली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिर्फ स्पीड टेस्ट बताया था, इसके अंदर मैं आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगा दोनों ब्रॉडबैंड का। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लगवाना है अपने लिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों अभी जो मेरे पास करंट ब्रॉडबैंड चल रहा है उसकी बात करने से पहले बात करते हैं हमारे पुराने ब्रॉडबैंड की, जो मैंने कनेक्ट ब्रॉडबैंड लगवाया था 2018 के अंदर। और मेरे एरिया में मेरे लोकेलिटी के अंदर वही एक ब्रॉडबैंड था उस टाइम जो मैं लगवा सकता था, और उसके अलावा BSNL ऑप्शन था जिसे लगवाने के लिए काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि मतलब पहले लैंडलाइन कनेक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद आप ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि अभी चेंज हो चुका होगा। तो मैंने कनेक्ट ब्रॉडबैंड लगवाया था और उस टाइम उन्होंने मेरे को स्पीड दी थी 8 से 12 Mbps। अब गाइस ये ISP की स्पीड होती है, इसे आपको 8 से डिवाइड कर लेना है, उसके बाद आपकी एग्जैक्ट स्पीड आपको शो हो जाएगी जो आपको अपने फोन के अंदर शो होने वाली है। लाइक 8 से 12 या मतलब 1 से 1.5 Mbps स्पीड मेरे को मिल रही थी। और उस टाइम 1 से 1.5 Mbps स्पीड अपलोडिंग डाउनलोडिंग मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि मतलब मेरी वीडियोज जो है वो बहुत आसानी से अपलोड हो रही थी। मतलब जहाँ पहले मेरी वीडियो की अपलोडिंग स्पीड 200 kbps मैक्सिमम होती थी, अब वो 1 से 1.5 Mbps हो रही है। तो मतलब मेरे को तो काफ़ी खुशी होगी थी यार, चलो कुछ अच्छा मिल गया, मैं वीडियो डेली की डेली और काफ़ी कम टाइम में अपलोड कर पाऊंगा। ऐसा चलता रहा एक साल, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल मैंने वो मतलब प्रॉपर चलाया ब्रॉडबैंड। और उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई क्योंकि स्पीड बिल्कुल डाउन हो गई थी। और होता क्या था कि मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगाता था तो शुरुआत के 20 या 30% तो बहुत ही फास्ट स्पीड से होते थे, मतलब 1 से 1.5 Mbps की स्पीड आराम से आ जाती थी शुरुआत में। मगर उसके बाद जैसे ये 60+ मतलब परसेंटेज में जाती थी उसके बाद मतलब जीरो स्पीड हो जाती थी। और जहां वो 10 से 15 मिनट अपलोडिंग वीडियो दिखाता था वहां पर वो 1 से 1.5 घंटा इवन 2 घंटे भी ले लेता था, जो मतलब कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात होगी। मतलब आप समझ सकते हो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो और आपको टाइम पे और मतलब एग्जैक्ट टाइम पे वीडियो अपलोड करनी है बट आपका ब्रॉडबैंड आपको धोखा दे जाए तो आपको कैसी फील आती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कनेक्ट ब्रॉडबैंड के प्लान्स के बारे में बता देता हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने यूज़ किया था 499 का शुरुआत में, तो उन्होंने मेरे को अनलिमिटेड ही डाटा दे दिया था उस टाइम, तो खैर मेरे को कोई लिमिट की वो भी नहीं थी। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को पता लगा तो मैंने 599 का प्लान लिया, उसके अंदर भी अनलिमिटेड डाटा ही मेरे को मिला था मगर वो 1 साल के लिए था और ये मुझे नहीं पता। प्लान के अंदर 100 GB मिलता था और 1 साल के लिए ऑफर था कि आप उसे अनलिमिटेड उसे यूज कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड डाटा उसके अंदर आपको मिलने वाला था। ये मेरे को पता नहीं था ना मेरे को उन्होंने बताया। 1 साल बाद जब मेरी मतलब ब्रॉडबैंड की 1 महीने में बीच में स्पीड स्लो हो गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मेरा प्लान तो अनलिमिटेड था फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर उन्होंने बताया कि आपका 1 साल का ही था। तो मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार मतलब आप 700 रुपये ले रहे हो मेरे से और उसके बाद आप मेरे को मतलब 100 GB का डाटा दे रहे हो, जो मतलब काफ़ी बुरा सा लगा मेरे को। फिर मैंने उनका प्लान और अपग्रेड कराया और उस कराते कराते मतलब मैं आ गया था 1000 रुपये पर मंथ पे, मतलब 500 रुपये से स्टार्ट करके 1000 रुपये पर मंथ मैं उन्हें दे रहा था। लास्ट आई थिंक 6 महीने से मैं 1000 रुपये पर मंथ उन्हें मतलब प्लान के दे रहा था और उसके बाद मेरे को स्पीड बिल्कुल भी बेकार मिल रही थी। और लास्ट महीने तो मतलब हद ही होगी, इतनी कॉल मेरे को करनी पड़ी इनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके जो टेक्नीशियन हैं, उन्हें इतनी बार मेरे को कॉल करनी पड़ी, मतलब मैं खुद हैरान हो गया था कि यार इतनी बार मेरे को इन्हें कॉल करनी पड़ रही है। और जब मैंने ये ब्रॉडबैंड लगवाया था तो मैंने मतलब अपने साथ साथ 3 या 4 कनेक्शन और लगवाए थे अपने ही एरिया में अपने ही फ्रेंड्स के, और उनका भी सेम ऐसे ही रिस्पॉन्स आ रहा था। तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा यार कि मतलब ये बहुत ही बेकार सर्विस हो गई है कनेक्ट की इस टाइम। मैं डिफेम नहीं कर रहा बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों कनेक्ट के प्लान्स और स्पीड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो कनेक्ट के प्लान्स जो हैं वो 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं और अप जाते हैं, और अम्बाला के अंदर आपको इसकी बैंडविड्थ या फिर इसकी स्पीड आपको मैक्स मिलने वाली है 8 से 12 Mbps। और ये वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है तो मतलब इसके अंदर कोई फाइबर ऑप्टिक या कोई वायर केबल नहीं होती, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में नहीं मिली थी बट अब जो है अब काफ़ी मिल रही है क्योंकि जैसे जैसे इसके कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रही है।
अब बात करते हैं नेट प्लस ब्रॉडबैंड की। अब गाइज यहाँ पर या फिर किसी भी एरिया के अंदर नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका वही लगाएगा जो आपको केबल लगा के दे रहा है आपके एरिया में, मतलब आपका लोकल केबल ऑपरेटर ही नेट प्लस का कनेक्शन आपको लगा के देगा। तो अगर आपको लगवाना है तो आपको अपने लोकल केबल ऑपरेटर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस की। तो गाइस इसके अंदर आपको 4000 से लेके 4500 के बीच में इंस्टॉलेशन चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। मेरे को 4200 रुपए देने पड़े जिसके अंदर मेरे को मिला एक महीने का बिल। प्रीपेड कनेक्शन है तो एक महीने के लिए मेरे को मतलब कनेक्शन मिला है, उसके बाद मेरे को बिल भरना है उसका, मतलब यार रिचार्ज कराना है जो भी कुछ है। उसके बाद एक डुअल बैंड राउटर मिल गया मेरे को, मोडेम प्लस राउटर, वाईफाई राउटर जो है वो ZTE का है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, ये मिला। उसके बाद जो वायर का जो भी कनेक्शन फनेक्शन हुआ था वो सब उन्होंने 4200 रुपए के अंदर मेरे को करके दिया, जो मेरे हिसाब से मेरे को ठीक लगा कि हाँ चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गाइस अब इनके प्लान्स की बात कर लेते हो, तो गाइस इनका बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 500 रुपए से, जिसके अंदर आपको आई थिंक 100 GB मैं फोटो लगा दूंगा इनके प्लान्स की, वो आप देख लेना। मैंने प्लान लिया है 599 का, जिसका बिल मेरे को ऑलमोस्ट 18% GST लगा के 720 रुपए पड़ेगा, जिसके अंदर मेरे को स्पीड मिल रही है 50 Mbps की। ये तो इन्होंने 50 Mbps बताया है, और लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो तो मेरे को 62 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही थी, जो मेरे को काफी अच्छा लगा। और गाइज ये फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन, आपके घर में एक फाइबर केबल आएगी ब्लैक कलर की, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, मतलब आप सभी को पता ही होगा, तो ऐसा इनका सिस्टम होता है। अब गाइज लास्ट वीडियो पे कमेंट आए थे कि मतलब ये बफरिंग करता है कि नहीं, और गूगल प्ले स्टोर से अगर कुछ डाउनलोड करना हो तो क्या स्पीड ये लेता है। गाइज गूगल प्ले स्टोर पे ये स्पीड मेरे को दे देता है ऑलमोस्ट 9 से 10 Mbps के आसपास। मैंने पबजी डाउनलोड करी थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चल रही होगी, और वो पबजी डाउनलोडिंग जहां तक मुझे याद है 4 मिनट उसने लिए थे 1.9 GB डाउनलोड होने के लिए प्ले स्टोर पे वाईफाई पे। 5 GHz की बात कर रहा हूँ, 2.4 GHz पे थोड़ा सा और टाइम ले सकता है, क्योंकि उस पर आपको स्पीड 47 से 48 Mbps देखने को मिलेगी, और 5 GHz पे 62 मैक्स आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस ये तो रही प्ले स्टोर की बात, अब गाइस बात करते हैं यूट्यूब पे 4K वीडियो बिना बफरिंग के। तो गाइस डेफिनेटली बिना बफरिंग के 4K वीडियो चल रही है। मैं आपको फोन पे तो अभी सभी के फोन के ऊपर ब्रॉडबैंड पे भी 1080p मैक्स सपोर्ट दिया हुआ है ड्यू टू कोविड, और इसके चक्कर में लोड ना पड़े इंटरनेट पे, इस वजह से मैं आपको अपने सिस्टम पे अभी वीडियो दिखा दूंगा, वहां पर मैं 4K वीडियो बहुत आसानी से बिना बफरिंग के भी प्ले कर पा रहा था उस ब्रॉडबैंड से। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा ब्रॉडबैंड जो है 4K वीडियो मतलब कितनी अच्छी तरीके से प्ले कर पा रहा है, इसमें बफरिंग कितनी है। अभी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो ईथरनेट से कनेक्ट है। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो मेरा सिस्टम है वो ईथरनेट पर कनेक्टेड है। सबसे पहले अपन ये पहली वाली वीडियो प्ले कर लेते हैं, ये 4K दिखा रहा है, तो पहले इसकी 4K सेटिंग कर लेंगे अपन, यहाँ से 1080p मैक्स 4K कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या स्पीड ये लेता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्ले हो चुकी है, और यहाँ पर आप नीचे जो ये लाइन देख रहे हो बफरिंग की, तो यहाँ पर कितनी वो चल रही है। अगर मैं यहाँ पर इसे आगे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कितना टाइम लेती है प्ले होने में, तो जस्ट 2 सेकंड का टाइम ले रही है, और जो मेरे हिसाब से 4K वीडियो के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आराम से प्ले हो रहा है, जो मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी कि 4K वीडियो भी काफ़ी आसानी से प्ले हो रही है बिना बफरिंग के। अगर वीडियो अपलोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर मेरी 700 MB की एक वीडियो है उसे अपलोड करने के लिए मेरे को मैक्स से मैक्स 1 मिनट लगता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फास्ट हो गया है, मतलब 1 घंटे से 1 मिनट पे आ गया वीडियो अपलोडिंग टाइम, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, और मैं काफ़ी फिलहाल तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस ब्रॉडबैंड से। तो आगे आगे देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपडेट्स के लिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।